us to Matthew chapter 5. आप अपने बाइबल को मत्ती रचित सुसमाचार उसके पांचवें अध्याय की ओर मोड़िए। This is the most powerful sermon which influences many people. The sermon preached by our Lord. ये जो उपदेश हम अध्ययन करेंगे, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ उपदेश है, और इससे बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं। Mahatma Gandhi said, you know, he liked the Beatitudes. You know, that's the best passage of the Bible he liked. और महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा है कि बाइबल में ये जो विभाग है जहाँ पर यीशु मसीह ने उपदेश दिया है उन्हें बहुत पसंद है। बाइबल ये विभाग मुझे बहुत पसंद लगता है। He liked this. ये बहुत पसंद आया। But he lost. फिर भी वो हार। Let's turn to Matthew chapter 5. Verse 13 to 16. तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छुप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु ईवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा मटियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, दूसरों को प्रभावित करना, are making a difference in the lives of other people. या फिर दूसरे लोगों के जीवन में एक बदलाव। In the background of this one, we see here, I know, God gave an opportunity to go to this place, a beautiful layout. और परमेश्वर ने हमें जैसे मानव को अवसर दिया है एक बहुत सुंदर टीले पर जाने का। And Jesus Christ sitting on the hill. और उस टीले पर यीशु मसीह बैठे हुए हैं। Lot of people followed him. और बहुत से लोग उनके पीछे बोले और एक पहाड़ पर बैठे हैं और लोगों के साथ उनकी उनका वार्तालाप हो रहा है। हमेशा याद रखें किस तरह से यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में एक प्रभाव डाला था। जब जो कुछ भी यीशु मसीह ने किया, शुरुआत की, जिसका आगमन किया, वो छोटी छोटी बातों से किया। मैं आपके लिए कुछ बातें ड्रॉ करके बताऊंगा। Can you see this one? क्या आप ये देख सकते हैं? So, here's a small circle here. यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल ये होल बना के रखा है। We say here that this circle represents our Lord Jesus Christ. हम ये मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है, गोलाकार है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। There is one second circle. तो अब हम दूसरा सर्कल देखते हैं। This represents the inner circle, Peter and John and James. और ये जो गोलाकार बनाया है बाहरी, उसके भीतर पतरस, यूहन्ना और याकूब है। Your third circle. अब हम तीसरा सर्कल देखते हैं। Remaining 9 disciples. बाकी के जो 9 चेले हैं वो इसमें आते हैं। Let us go to fourth circle. अब हम चौथा सर्कल देखते हैं। This is 17 disciples. यहाँ पर 70 चेले हैं। Let us go to fifth circle. अब हम पांचवा सर्कल देखते हैं। This is many other disciples. यहाँ पर कई अलग कई सारे अलग चेले पाए। Let us go to the last circle. अब हम आखिरी सर्कल की ओर आते हैं। This is the multitudes who met him once in a while. ये वो झुंड है ये वाले सर्कल में जो अक्सर यीशु मसीह को मिलते। What did Jesus Christ do here? यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? His life was very short. उनका जीवन बहुत ही छोटा रहा। His ministry was about 3.5 years. उनका जो सेवकाई था वो
ज्यादा से ज्यादा 3.5 साल का। Nothing much to boast over that। अब ये सेवकाई के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर तो कुछ कहा नहीं जा सकता। Insignificant, he was born in an insignificant place। अब उनका जो जन्म हुआ है बहुत सामान्य जगह पर हुआ। Insignificant family। एक बहुत ही आम परिवार में हुआ। And nothing much to brag। और उस सभी बातों को देखा जाए तो उसमें घमंड नहीं किया जा सकता। चिड़ियों के पास देखो उनके पास घर होता है परंतु परमेश्वर के बेटे के पास सर टिकाने के लिए जगह है। ऐसा भी नहीं है कि वो भारत में आए अफ्रीका में गए नॉर्थ अमेरिका में जाकर प्रचार किया ताकि अपनी जो देश है संदेश वो दे रहे हैं जो सिखा रहे हैं उससे प्रभावित कर सके लोगों को। ये भी उन्होंने नहीं किया। He was just, you know, very limited in his travels, in his teachings, and in his place where he went. जहाँ पर भी वो गए अपने सिखाने के बारे में नहीं सोचा जाए या फिर जिन जगहों पर उन्होंने उपदेश भी दिया जहाँ पर यात्रा की वो सब सीमित जगह है। But after 100 years, the people said, these people are making world upside down. फिर भी 100 साल बाद लोग यही कहते थे कि ये मसीह लोग पूरे संसार को उथल पुथल कर रहे हैं। By 300 AD, the gospel has reached the different continents. यीशु मसीह के 300 साल बाद जो परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार है इस संसार के सभी प्रांतों तक पहुंच गया था। That was the impact of our Lord. हमारे प्रभु का ये प्रभाव था। He has stood as the center of all the history of the world now. इस संसार के सभी इतिहास में ये यीशु मसीह एक मुख्य केंद्र बन के रहे। That's why I want to use the word, he has become an epicenter. वो एक मुख्य केंद्र बन गए। He made an impact all over the world. उन्होंने पूरे संसार में प्रभाव डाला। How does it begin? अब ये सब शुरुआत कैसी हुई इसकी? I want to use an analogy here. अब मैं एक यहाँ पर समांतर बताना चाहता हूँ। The analogy is, in a years back, some people, you know, Brother Om Prakash, and I had one doctor friend who attended conference in BRC. He also shared with me about a part about atomic center. कई साल पहले ऐसा हुआ था भाई ओम प्रकाश और एक डॉक्टर हमारे साथ थे हम सभी बीएआरसी में जो एटॉमिक सेंटर है उसके बारे में मुझे बता रहे थे जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके विषय लोगों के मन में ये सवाल था उन्होंने पूछा कि अगर इस जो न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ हुआ हड़बड़ी हो गई अगर वो फूट गया तो यहाँ पर क्या हो सकता है सेफ्टी मेजर शुड व्हाट नीड्स टू बी डन तो अगर सुरक्षा के तौर पर क्या किया जा सकता है दिस इज समथिंग गोस रॉन्ग देयर मुझे उत्तर ये मिला कि अगर कुछ वहाँ पर गड़बड़ी हो भी गई इधर एक्सप्लोशन और देयर इज रेडिएशन या फिर वहाँ पर वो न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है या जो रेडिएशन छूटती है डॉक्टर टोल्ड मी दैट दे टोल्ड देयर टू स्टार्ट evacuation beyond Panvel और बताया गया था और हमारे डॉक्टर फ्रेंड ने कि तुरंत पनवेल के बाहर के क्षेत्र में जाना होगा हमारे ब्रदर ओम प्रकाश beyond Panvel पनवेल के बाहर तक जाना पड़ेगा nothing before that don't you think about rescuing people before that Vashi or anywhere जो वाशी एरिया हो या उसके इर्द-गिर्द का जो भी एरिया हो उनके बारे में लोगों के बारे में सोचना भी किसी काम का है। Now you know why we went to Kalyan. So thing is, yeah, that's why people are thinking, you know, oh, what about that
big buildings, you know, all the buildings, intellectual scientists are there. How, what about them? लोग ये सोच रहे होंगे ये बड़ी बड़ी इमारतों के बारे में क्या, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट में रहते हैं उनके बारे में क्या? That is the intellectual storehouse of India. भारतवर्ष का यहाँ पर पूरा ज्ञान जो है वहाँ रहता है. What about that? ऐसे लोगों के बारे में क्या? Don't worry, rescue beyond for them. फिर भी बताया गया कि उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, जितने लोग पनवेल के बाहर रहते हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए. Explosion, the radiation is so powerful, you cannot find anything in within this radius. और जो धमाका, जो रेडिएशन उस धमाके से बाहर निकलता है वो इतना प्रभावी है कि उसके इर्द-गिर्द के एरिया में कुछ भी सोचा नहीं जा सकता. That is an impact power of the sun. Nuclear reactor. ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसका प्रभाव उतना प्रभावशाली होता है. Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में He was an epicenter. वो एक मुख्य केंद्र बन गए. He was the center of the power. एक वो सामर्थ्य का एपिसेंटर जहां जो मुख्य केंद्र है. परमेश्वर जो परमेश्वर का पुत्र जो खुद परमेश्वर था वो एक डायनामाइट की तरह. So he influenced this group, three people. उन्होंने तीन ये जो लोग हैं उनके ऊपर प्रभाव डाला. ये अंदरूनी उनके जो सर्कल में आते हैं उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव डाला. और जब जिस पर्वत पर लोग परिवर्तित हुए थे इन लोगों को यीशु मसीह अपने साथ लेके गए. He was very influenced. उन्हें उनको प्रभाव दिखाना चाहते थे. Then next in line. और फिर उसके बाद बाकी के नौ चेले. Then 70. उसके बाद 70 चेले. Then many. और फिर बहुत से चेले. What happened then? आखिर में क्या हुआ? One point. एक वक्त ऐसा आया. Nobody is around. एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके आजू-बाजू में कोई नहीं. You look at Peter. बदस की ओर देखा. पीटर का पीटर ना सब हो बदस तू भी और जा सकता है. बदस ने उत्तर दिया प्रभु मैं कहाँ जाऊँ. वहाँ से पीटर बड़ी कर वो शायद यीशु मसीह मन में कहा हुआ होगा बहुत अच्छे पीटर. बट के अरे क्रॉस एंड यस समवन गोइंग क्रॉस. जब क्रूस पर जाने का समय आया Jesus was arrested. यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया. Disciples runners ran and tested him. और चले गया वहाँ भाग पड़े थे. Finally Peter was there somewhere. और पतरस भी कहीं पर छुपा हुआ. A little girl said. एक छोटी बच्ची ने कहा. This man was with Jesus. ये व्यक्ति को मैंने यीशु मसीह के साथ देखा. No. पतरस ने कहा नहीं मैं तो नहीं था. मैं यीशु मसीह के साथ था. Disciples swearing and saying, "I was not with him." वो तो यीशु मसीह को श्राप देने लगा, बुरी भरे बोलने लगा और कहने लगा कि मैं यीशु के साथ कभी नहीं था. He denied the Lord three times. उसने यीशु मसीह को तीन बार नकार दिया. I think the pain of the cross was did not hurt Jesus much, but when he saw Peter denying him, that hurt him probably. मैं ये सोचता हूँ कि क्रूस की जो यात्रा थी उतना दर्द यीशु मसीह को उससे नहीं हुआ होगा, लेकिन उस बात से कि पतरस ने उन्हें तीन बार नकारा है. परंतु यीशु मसीह के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं. Because he told before, he told you about the denial. क्योंकि यीशु मसीह ने खुद पतरस को बताया कि तीन बार तू मुझे नकारेगा. पतरस ने भी यीशु मसीह को नकारा. ये बात याद रखिए. Peter is the one who should be satisfied. पतरस ही वो व्यक्ति था जिसने पहले दिन पर उपदेश दिया. That's what I got. तो हम अपने जवाब की ओर वापस. So here we find that the Lord Jesus Christ is trying to influence all of them. हम देखते हैं यीशु मसीह लोगों को प्रभावित करना चाह रहे हैं. That's why he's telling of the spot supper and he said he are the salt of the earth. इसीलिए पर्वत पर जब वे उपदेश दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि आप इस जगत के नमक हो. You are the ones who can make the difference in the life of the people. आप ही वे लोग हो जो अन्य लोगों के जीवन में एक बदलाव ला सकते हैं. He talked about the world. वे संसार के बारे में बोले. I did that. One man said, "No, a doctor. There's a kind of area in the brain
which makes people to do bad things. 100 साल पहले की शायद बात है, एक डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि मनुष्य के जो मस्तिष्क में एक ऐसी जगह है जहां से वो मनुष्य को प्रभावित करता है कि वो बुरी बातें करे। You know, if you really chip off that area a little bit, अगर उस क्षेत्र का थोड़ा सा निकाल दिया जाए, probably man will become one. उसका मानना ये था, हो सकता है मनुष्य अच्छा व्यक्ति बन जाए। So let us assume that, let us chip it off. तो चलो हम ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा कर दिया गया है। But what the Bible says? परंतु बाइबल हमें क्या सिखाता है? Let us turn to Isaiah chapter 1, please. हम यशायाह की किताब पहले अध्याय की ओर मुड़ते हैं। Isaiah chapter 1. यशायाह पहला अध्याय। Let us see what Isaiah is saying about that. यशायाह क्या कहते हैं इस विषय के बारे में हम देखेंगे। Is the read from verse 3. तीसरी आयत से हम पढ़ेंगे। 3:6. वैद्य अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये लड़के बाले कैसे बिगड़े हुए हैं, उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराए बनकर दूर हो गए हैं। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा हुआ है। नख से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल तक चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है जो इन दबाए जो न दबाए गए। What the Bible tells here? Bible क्या बता रहा है? It is not one area of the brain which is problematic. Bible ये बता रहा है सिर्फ आपके मस्तिष्क का एक क्षेत्र नहीं जिसमें गड़बड़ी है। I tell you from head to toe. यशया हो रहा है सिर्फ से लेके पैर तक। There is nothing good in us. हमें कुछ भी अच्छा नहीं। There is no soundness. There is no health. हमें कुछ आरोग्यता नहीं है। Don't say I'm very fit. ये मत कहे मैं बहुत स्वस्थ हूँ। Spiritually, you know, from as I am telling you people, there is no health in you. Everything you are sick. You are like souls, putrefied wounds, like. और आत्मिक तौर पर देखा जाए तो आप में कोई आरोग्यता नहीं। यही यशया कह रहा है कि आपको चोट लगी हुई है, आप घाव से भरे हुए हैं, आपका जो सर चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसको डायबिटीज हुआ है और वो उस व्यक्ति को अपने पांव में घाव हुआ है and it is not healed और वो घाव ठीक नहीं हो रहा, इट्स इंक्रीजिंग, परंतु वो और बढ़ रहा है, तो ये उसके लिए खतरे की निशान। डॉक्टर ये कहेंगे उसके वजह से शायद पूरा पाँव फटता है। डायबिटीज जो है वो बीमारी बहुत खतरनाक है। डायबिटीज का जो बीमारी है इतना खतरनाक है। टेक अवे सेंसेशन फ्रॉम योर बॉडी। वो आपके आपके जो देह में से संवेदन निकाल सकता है। कैन नॉट गिव यू द वार्निंग फॉर इट। वो आपको खतरे की चिन्ह भी नहीं बता सकता। दैट्स द थिंग। ये बात अगर सोची भी जाए तो सुनने में खतरनाक है। हमारा खुद का जीवन भी कुछ इस प्रकार की है। फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। अगर हम डॉक्टर ने दी गई सलाह मान लेते हैं हाउ मच ब्रेन वी कैन कट तो हम अपने मस्तिष्क को कितना काट सकते हैं। हाउ मच वी कैन टेक अवे फ्रॉम आवर बॉडी तो हमारे देह में से हमें कितना निकालना पड़ेगा। बाइबल से बाला सीने का फर्क है। बाइबल इसीलिए बता रहा है सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। अनराइचियस नो नॉट वन कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। ये हमारा स्वभाव है। दिस इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव और ये स्वभाव ठीक भी नहीं होगा। एज द डेज गो बाय इट्स बिकमिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स और जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वो
कर रहा है। यदि ये आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ और परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप जगत की नमक हो। As a very powerful message he's trying to give there. और ये बहुत ही पावरफुल संदेश यीशु मसीह दे रहे हैं। That is you are the ones who are influence the people. इसका अर्थ ये है कि आप वे लोग हैं जो लोगों को प्रभावित करना चाहिए। You are the influence the world. आप इस पूरे संसार को प्रभावित करने चाहिए। You can make difference in the lives of other people. अन्य लोगों के जीवन में आप परिवर्तन ला सकते हैं। And the Lord is telling them, as my Father has sent you, so send I you. और इसीलिए यीशु मसीह ये भी कहते हैं, जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं आपको भेजता हूँ. Since I sent you. और जैसे मैं आपको भेज रहा हूँ. Love not the world, neither the things of the world. तो आप इस संसार के संसार से और संसार की चीजों से आप प्रेम न रखो. Keep loving me. मुझसे प्रीति रखो. You should be like a fragrance, aroma in the world. आप इस संसार में एक सुगंध द्रव्य के समान बने. Let every Christian life be life which will bring the sweet smelling savor to the world. और हर एक क्रिश्चियन जीवन कुछ ऐसा बने जो इस संसार के लिए सुगंध ला सके. Right. Our Lord said, our life is like salt. परमेश्वर यीशु मसीह ने बताया है कि हमारा जो जीवन है मानो नमक के समान है. और इस सॉल्ट दिस वर्ल्ड क्या आप इस संसार में नमक बनकर जी रहे हैं? नेचर सोसाइटी सॉल्ट इज यूज्ड फॉर फ्रेंडशिप. जो पुराने जमाने में नमक को दोस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता था. दैट इज इफ टू पर्सन शेयर सॉल्ट दैट मींस दे आर फ्रेंड्स. अगर दो लोग एक दूसरे के साथ नमक बांटते हैं इसका अर्थ यह है वे अच्छे मित्र हैं. Because in early days, क्योंकि पहले कितने दिनों में, like Greek, at the days of Greek, you know, they used to call salt as theon. यूनानी युग में नमक को थियोन करके बुलाया जाता था. That is divine. इसका अर्थ यह है दैवीय. Theology, theos, the logos means the word of God. Theology या theos इसका अर्थ है परमेश्वर के विषय. So people sometimes say no. No theology, nothing, you know, don't worry about it, then the God will tell you everything. कुछ लोग कहते हैं theology वगैरह के बारे में मत सोचो, परमेश्वर आपसे सब बता दे. But that is God's word, God's word. Theology का अर्थ है परमेश्वर का वचन. When you have studied the word of God in Sunday school, जब आप Sunday school में परमेश्वर के वचन में अध्ययन करते हैं, Lord of theology. So आप सभी परमेश्वर के विषय में पढ़ रहे हैं. Studying the word of God. परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं. So the salt has such a high place in the society. समाज में देखा जाएगा तो नमक की बहुत ही ऊंचा स्तर है. Romans used to believe after the sun, next important thing in the world is the salt. रोमी लोग ये मानते थे कि सूरज के बाद संसार में अगर कोई और मूल्यवान चीज है वो नमक है. रोमी जो 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 सैनिक लोग है या फिर जो गुलाम लोग है उन्हें नमक दिया जाता था वेतन के तौर पर. इसीलिए एक कहावत बताई जाती है नहीं है. That means if we use the phrase namak haram. That means that you eat with somebody, you do something wrong against him. That means you are called as namak haram. अगर आप किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं, सलमान खाते हैं, दोस्ती की करते हैं, बातें करते हैं. जिसके साथ अच्छा करना चाहिए, जिसके साथ अच्छे रहते हो और फिर उसके साथ धोखाधड़ी करते हो, यानी नमक हराम. Even if you are first that he eats with you, right, those days, and shares food, that means you have to be mutual friend to him. अगर आपका सबसे बुरा दुश्मन भी आपके साथ आकर बैठ के खाना खाता है, तो आप उसके साथ दोस्ती निभाना चाहिए. That was the value of salt. उन दिनों में नमक का वो value था. Salt was used for binding agreement. नमक का इस्तेमाल जो है वो इस दो लोगों के बीच सहमति को बनाए रखने के प्रति. These days we go to lawyers and make an agreement and make an affidavit and go to notary and notarize that and do all sorts of things. आज के दिनों में हम वकीलों के पास जाते हैं, अग्रीमेंट बनाते
नोटरी करते हैं, ये सभी प्रकार की चीजें हम करते हैं। those days, उन दिनों में, and when they make an agreement, जब कोई एग्रीमेंट होता है, they exchange salt or salt then, वे एक दूसरे दूसरे के साथ नमक को आदान प्रदान करते हैं या नमक रखा जाता है। That's it. वो गई सहमत। That is a binding agreement for them. और उनकी सहमति पक्की बन गई। जब second chronicles chapter 13 verse 5 please. दूसरा इतिहास क्या तुमको न जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा बांध कर दाऊद को और उसके वंश को इस इज़राइल का राज्य सलाह के लिए दिया है। Salt was so valuable उन दिनों में जो नमक है उसे बहुत अहमियत दी जाती थी। Leviticus chapter 2 verse 13 things। लेवियो किताब दूसरा अध्याय और 13 भी आया। Leviticus 13। लेवियो किताब या फिर लेवियो व्यवस्था उसका दूसरा अध्याय और And every oblation of thy meat offering shall thou season with salt. Neither shall thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering. With all that offering thou shalt offer salt. फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ाव के साथ नमक भी चढ़ाना। That was very important. ये बहुत जरूरी था। Salt always stood for high value and it's a matter of an agreement. नमक हमेशा अहम बात मानी गई थी और सहमति का विषय माना जाता था। Salt was represented as purity. नमक शुद्धता के विषय को भी बताता है। Now, Rogers message was that blessed are the pure in heart. आखिरी आयत में जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है। इसलिए दिशा में तुम्हें प्योर इन द वर्ल्ड वो अपने चेलों को बता रहा है कि संसार में जब जीवन बिताते हो तो शुद्धता का जीवन बिताओ। आज सो दैट यू विल हैव इट प्योरिफाई द वर्ल्ड ताकि आप ये मदद करोगे कि संसार शुद्ध बनता जाए। योर स्पिरिचुअल लॉ ऑफ प्योरिटी शुड इन्फ्लुएंस अदर्स आपका जो मौलिक आत्मिक शुद्धता और लोगों को प्रभावित करना चाहिए। You are presence in the world to make difference. और आपका इस संसार में जो उपस्थिति है वो लोगों के जीवन में एक बदलाव लाना चाहिए। नमक जो है वो स्वाद को दर्शाता है। Why you know you salt? इसीलिए हम नमक इस्तेमाल करते हैं। In our language is the same. हमारे भाषा में एक कहावत है। Salt said you put everything and put here and see. नमक ने कुछ ऐसा कहा है कि आप सब कुछ डाल के देना उसके बाद मुझे डालो। Sir, you know सब कुछ डाल के देखो और very good all के देखो। That makes a difference. उसमें फर्क आता है। You know sometimes when you are slowly growing and you try to visit doctor, their pains and aches, doctor will suggest you, no salt. जब आप बढ़ते हो, बड़े हो जाते हो, आप बुजुर्ग हो जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, बताते हो आपको कहाँ कहाँ दर्द होता है, तो डॉक्टर आखिरकार आपको बोलता है आप नमक खाना बंद कर दीजिए। No salt. नमक बंद। No. What do you think afterwards? आप क्या सोचते हो? How many people really don't eat salt here in India? In our country. हमारे ही सभा को देखिए यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो नमक बिल्कुल ही पसंद करते खाने को। बिना नमक का खाया नहीं जाता है कैसा खाएंगे बिना salt होंगे नहीं। लोग ये कहेंगे कि बिना नमक खाना कैसे खाया जा सकता है। I don't eat salt. पति पत्नी से कहता है कि मैंने बताया था कि नमक मत खाना। नीचे नहीं आने वाला। थोड़ा ही डॉक्टर ये भी बोलेगा कि आचार बंद। इतने लोग ऐसे हैं कि आचार बंद है तो फिर हम चुप बैठेंगे। No, it's all part of our life.
ये हमारे जीवन का एक भाग बन गया है. That is a flavor, that gives a taste to us. क्योंकि ये हमारे जबान को स्वाद लाता है. So, our Christian life should be a flavor in this world. हमारा जो मसीह जीवन है इस संसार में एक स्वाद के लाना चाहिए. The Son of the Lord. God said, even if 10 people are there, good people, I'm going to save the Son of God. जब और गोमरा को अगर देखा जाए तो परमेश्वर ये कहा था कि अगर 10 लोग भी नीतिमान वहां है तो मैं इस बात को विनाश नहीं करूंगा. Look at the Sanhedrin. आप परिवार को तो देखिए. The Bible says that 1 Corinthians 7 chapter, if unbelieving husband is there, it's a believing wife can make a difference in his life. पहला कोरिन्थियों सातवें अध्याय में बाइबल ये बताता है कि कोई अविश्वासी पति हो तो विश्वासी पत्नी अविश्वासी पति के जीवन में एक बदलाव ला सकती है. It's vice versa. और उसी को आप उल्टा भी समझ सकते हैं. So, our life can make difference in this world as salt makes difference. हमारा जीवन संसार में एक बदलाव ला सकता है उसी तरह जैसे नमक बदलाव लाता है. Back in those days, there was not much medical facilities for that. पुराने दिनों में बहुत चिकित्सा नहीं थे. Many wounds there. अगर कोई घाव आता है, they used to salt and cream with salt. तो नमक छिड़का जाता था और नमक से वो साफ किया जाता था. Even today, आज भी ulcers in your mouth. अगर आपके मुंह में छाले छाले आ जाते हैं और sore throat या फिर जो गला है बैठ जाता है और doctor's advice. डॉक्टर क्या सलाह देता है? Hot water, put salt in hot water, gargle your mouth. गर्म पानी पीजिए उसमें नमक डालिए और फिर गरारे करिए. It becomes so important. We have these days faced with salt. आज इतना अहम बन गया है कि टूथपेस्ट में भी नमक है. उदाहरण के तौर पर जैसे आप दफ्तर में काम करते हैं नौजवानों के लिए देखिए कैसे लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं. I would say gutter language. मैं उसे गटर की अपनी भाषा कह सकता हूँ. Filthy language. बहुत ही गंदी भाषा. आम तौर पर अगर बात भी करते हैं लोग तो बहुत गंदी बात है. बातें करना एक आम विषय बन गया. परंतु जब आप ऐसी जगहों पर काम करते हैं how you handle, तो ऐसी परिस्थितियों में आप ऐसी परिस्थितियों कैसे हैंडल करते हैं? क्रिश्चियन के तहत प्लीज डोंट डू सो. एक मसीह होने के नाते आप ये कह सकते हैं कि इन शब्दों का उल्लेख मेरे सामने मत कीजिए. चलिए मैं माफ कर दूं. हो सकता है शुरुआत में वो आप इकट्ठा करें. दे आर यूजिंग फिल्दी लैंग्वेज. फिर भी वो अपनी गंदी बातें करना शुरू कर देंगे. फ्रॉम दैट आप उनसे दूर हो जाइए. एज द डेज गोस बाय जैसे दिन आगे बढ़ेंगे दे विल अंडरस्टैंड यू. वो आपको समझने की कोशिश करेंगे. सेट अ फिलॉसफी ऑफ देयर लाइफ. आपके जीवन का जो कारण क्या है वो आप वो समझेंगे. इवन इफ दे वांट टू डू समथिंग अगर वो कुछ करना भी चाहे जैसे इट लॉस इवन इज देयर वो कहेंगे अरे ये यहाँ पर है इसके सामने नहीं करना. दे रिसोर्स इज एट ऑफ अब ये व्यक्ति यहाँ पर है अभी ये बातें नहीं करनी चाहिए. That's what a Christian. Yeah, the salt of the Christi ऐसे ही होता है. इसीलिए Christi को नमक बन के जगत में रहना. After that, the Lord says, "He is the light of the world." इतना ही नहीं यीशु मसीह ने ये भी कहा कि आप इस संसार की ज्योति हो. Salt can be hidden. चलो नमक को तो छुपाया जा सकता है. Light can be seen. परंतु ज्योति को देखा जा सकता है. Salt works secretly. जो नमक है वो गुप्त तरीके से काम करता है. लाइट वर्क्स ओपनली परंतु जो ज्योति है वो खुले में काम करती है. सॉल्ट वर्क्स भी जो नमक है वो भीतरी तौर पर काम करता है. लाइट वर्क्स फ्रॉम आउटसाइड परंतु ज्योति बाहरी तौर पर होती है. सॉल्ट इज द मोर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द गॉस्पेल. जो नमक को देखा जाए तो वो एक वचन के सुसमाचार का प्रभाव उसे इनडायरेक्ट तरीके से बढ़ता है. लाइट इज मोर इट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन परंतु जो ज्योति है उससे
सीधे तौर पर या डायरेक्ट तौर पर वचन का सुसमाचार जो नमक है वो हमारे जीवन के द्वारा चलता है Light also what we teach and preach. परंतु ज्योति है वो हम क्या सिखाते हैं हम क्या प्रचार करते हैं उससे कार्य करते हैं That is the salt. ये होता है नमक परमेश्वर ने कहा कि आपको संसार में एक नमक परमेश्वर ने ये भी कहा कि आप ज्योति हो भजन संहिता 36 और उसका 9वां अध्याय 36वां अध्याय और 9वीं आयत For if he is the fountain of life, if thy light shall be see light. क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे Yeah, the light is in this world. हम इस संसार में प्रकाश हैं ज्योति 1 John chapter 1 पहला यूहन्ना पहला अध्याय और स्पायर पांचवी आयत से आगे अभी पढ़ी and then is the this then is the message which we have heard of him and declared to you that God is light and in him is no darkness at all if we say that we have fellowship with him with whom with God and walk in darkness God is light, and we are telling we have fellowship with Him. If we are walking in darkness, that if we are saying one thing, doing something else, darkness, we lie. That is, we are lying, and do not the truth. We are not doing the truth all day. We are not speaking the truth. But if we walk in the light, in contrast to that, if we walk in the light, as He is the light, we have fellowship. One big another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. What a wonderful passage! He's the light. वो ज्योति है. If we say we are His children, अगर हम ये कहते हैं कि हम उसकी संतान हैं, we are to walk in the light. तो हमें ज्योति में चलना होगा. Suppose we are walking in the darkness. अगर हम अंधकार में चलते हैं. The darkness is picture of walking away from God. अंधकार वो चित्र हुआ जहाँ पर हम परमेश्वर से दूर होकर जीवन बिता रहे हैं. Walking in the world, walking in sin. इसका अर्थ ये है कि हम संसार में चल रहे हैं और पाप का जीवन चला रहे हैं. And again, sin we are children of light. और ऐसा जीवन बिताते बिताते हम फिर भी ये कहें कि हम परमेश्वर की सत्ता. There's no truth in that. तो हम झूठे हैं. We say how much I love Jesus. हम ये कहते हैं कि हम यीशु से कितना प्यार करते हैं। And you love your smoke, smoking cigarette. और फिर भी सिगरेट पूछते हैं। Oh, how much Jesus? हम कितना यीशु से प्रेम करते हैं? You don't care his word. आप उसके वचन का आदर करते हैं। Oh, I love Jesus. This is great happens in my life. हम ये कहते हैं कि हम यीशु से बहुत प्रेम करते हैं और मेरे जीवन में बहुत चमत्कार कर रहा है। आप कौन सी कलीसिया में जाते हैं? I don't go to any church. Jesus is everywhere. I go everywhere. हम किसी भी कलीसिया में नहीं जाते भाई. हम यीशु मसीह सब जगह पाए जाते हैं. हम सभी जगह जाते हैं. That's not Christian life. That's not what Bible teaches. क्रिश्चियन जीवन ऐसा नहीं. बाइबल ये नहीं सिखाता. That is your perception. ये आपका मान्यता होगा. When you say you are the light, you need to walk in the light. परंतु जब हम कहते हैं कि हम ज्योति जीवन बिताते जाते हैं, तो आपको ज्योति में चलना भी होगा. If you walk in the light, means ज्योति में चलने का अर्थ यह है. Living in His word. परमेश्वर के वचन में जीना. You find that word, lamp unto my feet, as light unto my path. आपका जो वचन है, वो मेरे मार्ग के लिए ज्योति और मेरे पांव के लिए प्रकाश है. Are you the light of in the world? क्या आप इस संसार में ज्योति हैं? Philippians chapter 4 verse 15. फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय 15वीं आयत. Philippians 2:15. दूसरा अध्याय और 15वीं आयत. Paul said. पौलुस ने ये कहा. In midst of crooked and perverse generation, all whom ye shame as lights in the world. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और पीले के लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो
और जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों की लाइट दिखाई देते हो। परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम इस संसार में संसार के लिए एक नमक के समान और ज्योति के समान जिए। क्या हम ये कर सकते हैं? हम जरूर कर सकते हैं जब हम यीशु मसीह के वचन में जीते हैं। We make difference in somebody's life. क्या हम औरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं? आप इस मुख्य केंद्र को देखिए, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। He made an impact in the life of three people. उन्होंने तीन लोगों के जीवन में प्रभाव लाया और नौ लोगों के जीवन में प्रभाव लाया और ये लोग जाकर संसार में फैलकर और लोगों के जीवन में प्रभाव लाया। आप भी कर सकते हैं। आप अपने घर से शुरुआत की दीजिए, अपने बच्चों में, आपके परिवार में आप वो प्रभाव लाइए। परिवार में बहुत समस्या है एंड दे आर नॉट वॉकिंग और वे नहीं साथ चलते। When your expectations are not met, जब आपकी अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती तो आप तुरंत नाकाम होकर छोड़ देते हैं। परंतु यीशु मसीह के जीवन को देखिए, वो क्रूस पर थे, कितने लोग उनके पीछे होंगे सिर्फ इसलिए कि उन्हें कम से कम वो क्रूस उठा लेने के लिए। कितने थे? एक भी नहीं। परंतु बाद में क्या हुआ? यीशु मसीह मरे उसके बाद जब कब्र में से जिए हम सोचेंगे कि शायद लोग बदल जाएंगे। जब पतरस फिशिंग के लिए गया तो अपने साथ कई लोगों को और लेते थे। जीसस अपीयर टू देम। यीशु मसीह ने उसे वहां पर दर्शन दिया। यीशु मसीह क्रोधित नहीं थे। उन्होंने कहा कि बच्चों क्या आपके पास कुछ खाने के लिए? This is love. उन्होंने प्रेम दर्शाया। This is patience. उन्होंने धीरज दर्शाया। उनके साथ कार्य किया। Knowing that they wrong. ये जानते हुए कि वो गलत कर रहे हैं। He tried to draw them. फिर भी ये कि उन्हें अपने पास ले आया। Mothers and fathers, I'm discouraged about your family relationship. Stay in the word of God. Stay true to the word of God. Be a salt and light. God will bring back them one day. माता पिता, आप अपने परिवार में अपने बच्चों को लेकर हताश हैं, निराश हैं, तो निराश मत रहो, परमेश्वर के वचन में बने रहो। एक दिन वही वचन इन लोगों को फिर आपके पास। You will be the epicenter of your family. आपके परिवार का आप मुख्य केंद्र बनकर जियो। What happens? क्या हो? They have to be cleansed. फिर आप दूसरों को भी प्रभावित करें। वही पतरस जिसने यीशु मसीह को नकार दिया, जो फिर मच्छी पकड़ने पेंतेकोस्त के दिन पर वो खड़ा हुआ और सुसमाचार प्रचार, 3,000 लोगों का उद्धार। और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया ताकि यरूशलेम में वो कलीसिया स्थापित कर सके। बस जीसस देयर एट दैट टाइम टू सी 3,000 सोल्स गेटिंग सेव्ड। क्या यीशु मसीह उस वक्त वहां पर थे कि उन्होंने 3,000 लोग जिनका उद्धार हुआ वो देख सके? यू आर नॉट एट दिस अर्थ। वो इस संसार, इस पृथ्वी पर नहीं थे। बट वी सी दैट। और हम देखते हैं, यू नो, रिजल्ट्स आर सीन आफ्टरवर्ड्स। जो नतीजा है वो बाद में दिखा करता है। हो सकता है आप इस संसार में नतीजा देखने के लिए न जीवित रहे, परंतु एक दिन वे आने वाले हैं। आपका किया गया जो मेहनत है परमेश्वर यीशु मसीह की
महिमा के लिए आगे बढ़ाया जाए। Let us look at one more thing. हम एक और बात देखते हैं। The church was here in Jerusalem. यहाँ पर यरूशलेम है। The message, the church started here. रिसिया यहाँ शुरू हुई। It spread. और फिर उसके बाद वो और बढ़ गए। At the end of when we come to the end of book of Acts. जब हम प्रेरितो के काम के पुस्तक के अंत तक आते हैं। Word went all over the world. पूरे यूरोपीय प्रांत में परमेश्वर का वचन फैल गया। And they told me by third century. जैसे मैंने बताया था कि यीशु मसीह के 300 साल बाद all continents, most of the continents, gospel reached. बहुत से इस संसार के बहुत से जगहों पर परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार हुआ। एक कलीसिया प्रभावी बना। Producing leaders. उस कलीसिया से नेता उत्पन्न हुए। और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल इंपैक्ट ऑफ CVBC. ये CVBC का जो प्रभाव हम भी औरों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। Each one can be responsible in the church. जब इस कलीसिया में हर एक अपनी जिम्मेदारी उठाएगा। I am looking for perfection here. मैं यहाँ बहुत looking for any perfect. यहाँ पर मैं या फिर परमेश्वर खुद भी परफेक्शन यहाँ पर सही ही होना चाहिए ऐसा नहीं देते। Like in the Garden of Gethsemane, everybody is guilty. जैसे गेसेमनी के बाग में सारे चेले सोए पड़े थे। Even in the sleeping stage. हो सकता है आप भी सोई अवस्था में। When Christ is on the about the cross and all the prison denied him. और जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने के तौर पर थे और पतरस ने उसे नकार होने नकार दिया। There may be some denials in our life. हो सकता है हमारे जीवन में भी हमने कई बार नकारा होगा। The first church. पहली कलीसिया। There are problems. बहुत सी समस्याएं हुई। But they got you up. परंतु क्या परमेश्वर ने अपनी उम्मीदें छोड़ दी? They didn't want to suffer through the storm. And see, but still influence people. जो चीज उन्हें करनी चाहिए थी वो करे रहे पर नमक बनकर जिए वो दिखाई तो नहीं देता परंतु उसका प्रभाव जरूर दिखाई दिया। इसीलिए लोगों पर एक प्रभाव लाना या प्रभाव डालना सीखिए। पारिवारिक जो प्रार्थना होती है उसे नजरअंदाज करो। इंडिविजुअल प्रेयर्स व्यक्तिगत प्रार्थना नजरअंदाज करो। और परमेश्वर के भवन को संडे स्कूल में जो सिखाया जाता है उसे नजरअंदाज मत करो। गिविंग ट्रैक्स और जो ट्रैक्स पर्चे बांटे जाते हैं यीशु मसीह के बारे में वो नजरअंदाज मत करो। क्योंकि एक दिन वो वही बातें फल लाएंगे। अब वो एक नमक के समान बात हुई वो शायद तुरंत ना दिखाई दे परंतु उसका प्रभाव जरूर दिखाई देगा। औरों के जीवन में बदलाव लाए। क्या आप मुख्य केंद्र है? एपिसेंटर क्या मुख्य केंद्र है? परमेश्वर से ये मांगे कि हे परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को एक मुख्य केंद्र बनाए जिसके द्वारा इस संसार के लोगों में हम बदलाव ला सके। नतीजों के बारे में मन सोचिए। हम केवल नमक बन के रहे इस जगह। Salt is not there to see how many people are enjoying that. नमक का काम ये नहीं होता है कि हाँ मुझे जगत कितने लोगों को आनंद मिल रहा है। No. नहीं। Salt is unseen. नमक तो अपने आप अदृश्य होता है। परंतु फिर भी हर एक को ये याद रहता है कि हाँ नमक है। At least when it's more. तब खास करके जब ज्यादा होता है। आपके जितने भी लड़ाई झगड़े हैं वो सब भूल जाइए छोड़ दीजिए। क्रिस्ती बनकर जिए अपने परिवार में। पति पति से प्रेम रखे पति पति की बात माने बच्चे के बुरी बातें करना बोलना बंद करें ऐसी छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए और फिर धीरे 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 करके बढ़िए रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम कीजिए।
हो सकता है आपके माता पिता के साथ या आपके सास ससुर के साथ जगत ऐसे बर्ताव करता है, मैं भी इनके साथ ऐसे ही बर्ताव करूंगा. As God help you. परमेश्वर से मदद मांगिए कि वो आपको मदद करे. ये क्रिश्चियन आप क्रिश्चियन जीवन जिए. This all आप नमक बनकर जिए. So that you can show difference. ताकि आप बदलाव या परिवर्तन दिखा सके. Very sad to say that most problems in Christian homes, any joint Christian parents. Joint मसीह जो परिवार होते हैं उनमें बहुत ही गड़बड़ी और बहुत झगड़े दिखाई देते हैं. We have our own families. हमारे खुद के परिवार होते हैं. पत्नी को अब पति का परिवार नहीं चाहिए, पति को पत्नी का परिवार नहीं चाहिए. और आखिरकार पत्नी तो पत्नी का अपना परिवार तो हो जाता है, बन जाता है, परंतु पति पति चर्चा रखते रहते. क्रिश्चियन लोग के लिए ये बात है. अगर ऐसा कर रहे तो हम संसार के लिए जो जगत के लिए नमक नहीं. पास्टर यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग. शायद मन में आप ये कह रहे होंगे कि पास्टर जी आपको नहीं पता आप क्या कह रहे हैं. आई मे नॉट बी नोइंग व्हाट योर सिचुएशन. हो सकता है मैं आपकी व्यक्तिगत परिस्थिति न जानूं. बट आई टॉक दिस स्क्रिप्चर अबाउट द बाइबल. परंतु मैं आपको वचन परमेश्वर का वचन बता रहा हूं. When you insult somebody, जब आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, when you use bad language, when you want to throw them out of your presence, जब आप उनके साथ बुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब आप उनको आपके सामने देखना भी पसंद नहीं करते, okay, you're a Christian. तो आप अपने आप को क्रिश्चियन कैसे कह सकते हैं? Now because Sunday here is the chair to the Bible. जो नमक है वो देखा तो नहीं जाता, अदृश्य होता है. But if you will notice, परंतु एक दिन आप दिखाई देंगे. Our house is a corner house. Most of you know that. आप में से बहुत से लोग मेरे घर के बारे में जानते हैं. तो मेरा घर कोने में है. Left to now is a joint family. घर के लिए लेफ्ट में एक जॉइंट परिवार रहता है. Behind my house is a joint family. मेरे घर के पीछे भी एक जॉइंट परिवार. Our third house is a joint family. हमारा जो हमारे घर से तीसरा घर भी एक जॉइंट फैमिली है. They are Christians. और वे क्रिश्चियन नहीं है. Yes. और वे इधर भी है. We don't hear squabbles there. वहाँ पर हम झगड़े नहीं देखते. Maybe say you don't know, maybe they were fighting inside. आप शायद ये कहेंगे आप क्या पता, आप शायद घर के अंदर वो छुप कर लड़ते होंगे. पड़ोसी तो कभी ना कभी मांग पड़ेगा. पड़ोसी है तो एक दिन पता तो चल ही जाएगा. 25 साल से यही थी जब वो रह रहे हैं. But I see all Christian gathering there. Then I see most other Christian families. लेकिन मैं उनमें जो मसीह गुण चरित्र होता है उनमें ज्यादा दिखाई देता है, ना कि असल क्रिश्चियन लोगों के. या तो आप दूसरों के और प्रभावशाली बन सकते हैं और या फिर आप आप मुख्य केंद्र बनकर यीशु मसीह के लिए.